नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। आज हम डिस्कस करेंगे नी एसीएल इंजरीज। एसीएल घुटने के अंदर का एक लिगामेंट है जो कि नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस लिगामेंट का पूरा नाम है एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट। ये लिगामेंट इस मॉडल के द्वारा बताता हूँ कैसे काम करता है। ये लिगामेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नीचे वाली हड्डी जो कि टांग की हड्डी कहलाती है, जिसका नाम टिबिया भी है, और जो ऊपर वाली हड्डी जो जांघ की हड्डी कहलाती है, जिसको हम फीमर बोलते हैं, उसके बीच का ये लिगामेंट है जो कि नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब भी किसी भी कारण से इस घुटने के ऊपर एक्सेसिव फोर्स आते हैं या जब फोर्स लिगामेंट की कैपेसिटी के ज़्यादा निकल जाते हैं, तो ये लिगामेंट हमारा ब्रेक हो जाता है। ये लिगामेंट हड्डी के पास से भी उखड़ सकता है, हड्डी का पीस लेके भी उखड़ सकता है, या बीच में से भी उखड़ सकता है। जब भी ये लिगामेंट हड्डी का पीस लेके निकलता है, तो हम जनरली इसको रिपेयर करते हैं। और जब ये बीच में से टूटता है या हड्डी के पास से टूट जाता है, हड्डी का कोई पीस लेके नहीं टूटता, तो हमें इसको नया बनाना पड़ता है। जब भी ये लिगामेंट की इंजरी होती है, तो घुटने के अंदर एकदम से काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम नी हेमेटोमा बोलते हैं। और हमें कुछ बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये इंजरी हो जाए, तो सबसे पहले हमें नी को स्टेबलाइज कर देना है। आपके आसपास कोई भी सामान हो, चाहे वो लकड़ी का डंडा हो या कार्डबोर्ड हो, तो उससे हमें नी को स्टेबलाइज कर देना चाहिए। या अगर आपके आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उधर से हम पोस्टीरियर लॉन्ग नी ब्रेस, नी को स्ट्रेट रखने वाला पट्टा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नी के ऊपर हमें ठंडी सिकाई कर देना चालू कर देना चाहिए, जिसके कारण से ये स्वेलिंग ज़्यादा ना पड़े। और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, अगर आप उसके लिए एलर्जिक नहीं है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके हमें स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। स्पेशलिस्ट जब भी इस इंजरीज को देखते हैं या इसमें ट्रीटमेंट करने का, उपचार करने का शुरुआत करते हैं, तो वो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं। जब भी अगर ये हड्डी का पीस लेके निकला है ये लिगामेंट, तो हमें इसको एज सून एज पॉसिबल फिक्स करना चाहिए। और जब भी अगर ये लिगामेंट बीच से टूटा है या हड्डी के पास से टूटा है, तो हमें 3 हफ्ते के लिए वेट करना चाहिए। 3 हफ्ते में जब घुटने की स्वेलिंग चालू हो जाए, घुटने का मूवमेंट अच्छे से आ जाए, तो हमें एक इसका MRI करके देखना चाहिए कि लिगामेंट की इंजरी सिर्फ अकेली है कि साथ ही साथ मेनिस्कस इंजरी भी है। मेनिस्कस घुटने के अंदर वाली ये गादी कहलाती है, ये भी कभी कभी देखा गया है कि ये भी इंजरी के साथ ये भी डैमेज होती है। अगर ये डैमेज छोटा सा है, मेनिस्कस में छोटी सी इंजरी है, या कि जो बाहर की तरफ एक पेरिफेरल सा टीयर है, तो हम उसको ट्रिम आउट कर देते हैं। अगर ये काफ़ी बड़ा टीयर है, लाइक बकेट हैंडल टीयर हो गया, या रेडियल टीयर हो गया, या लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो गया, या वर्टिकल टीयर हो गया, तो हमें इसको रिपेयर करना पड़ता है। अब जब भी हम सर्जरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, तो हम ये बताते हैं कि जनरली हम इसके अंदर 2 तरीके से हम इसको फिक्स करते हैं। ऊपर की तरफ हमें एक टाइटेनियम से बंधा हुआ धागा, जिसको कि हम एक फिक्स लूप सिस्टम बोलते हैं, ऊपर की तरफ हम जो कि जांघ की हड्डी है, उसमें फीमर में डीरोल करके उसको बांधते हैं, और उसकी सहायता से उसी के अंदर से हम एक हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, जो कि पीछे की मसल से लिया जाता है, उसमें वो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को हम ऊपर डालते हैं। और नीचे एक हम जनरली बायो स्क्रू का यूज़ करते हैं, जो कि आने वाले समय में हड्डी में ही घुल जाता है। तो इस तरीके से ये सस्पेंसरी फिक्सेशन यूज़ किया जाता है, जो कि नॉर्मल ऑफिस गोइंग लोगों में या खिलाड़ियों में यूज़ हम करते हैं, जिनको कि फील्ड पे जल्दी नहीं जाना है। लेकिन कुछ खिलाड़ी रहते हैं जिनके लिए हमें रिकवरी बहुत ही फास्ट चाहिए, वो चाहते हैं कि हम 3 से 4 महीने में अपने स्पोर्ट्स को रिज्यूम कर लें, तो उसमें हमें एक दूसरे लिगामेंट का यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बोन पटेला टेंडन ग्राफ्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये बीच का जो पटेला बोन है और ये पटेला टेंडन है, तो इसमें हम हड्डी का पीस प्लस टेंडन प्लस हड्डी का पीस, ये ग्राफ्ट हम निकालते हैं अंदर से, और दोनों तरफ बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू की सहायता से इसको फिक्स करते हैं। अब इस ग्राफ्ट की सबसे अच्छी बात क्या रहती है, क्योंकि ये हड्डी से बना हुआ ग्राफ्ट है, तो हड्डी के अंदर ये जल्दी इंटीग्रेट होता है, तो 6 to 8 weeks में ये हड्डी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और 3 महीने में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और हम खिलाड़ी को जल्दी रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, जल्दी वो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस ग्राफ्ट की। लेकिन जब भी हम हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट की बात करते हैं, तो ये लगभग 1 साल ले लेता है हड्डी से इंटीग्रेट होने के लिए। इसके लिए हम जनरली खिलाड़ियों को बोलते हैं कि आपको 1 साल तक अपने स्पोर्ट से दूर रहना है। हालांकि उनकी हम एंड्यूरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग बहुत पहले से 6 से 7 महीने से हम चालू कर सकते हैं, जिससे कि 1 साल तक आते आते वो पूरी तरीके से फिट हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।